आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास डिश टीवी का सेटअप बॉक्स आया है जिसका मॉडल नंबर 7000 है। तो इसमें हम फाइंड करेंगे इसमें प्रॉब्लम क्या है, उसके बाद इसका सॉल्यूशन पूरा डिटेल्स में बताएंगे, रिपेयर किस तरह से करेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, पावर लगाएंगे। पावर लगाने के बाद आप लोग देख सकते हो यहाँ पे पावर आ चुका है, डेट का प्रॉब्लम नहीं है। तो हम क्या करेंगे, वीडियो लगाएंगे। वीडियो लगाने के बाद हम उसके बाद चेक करेंगे वीडियो आ रहा है कि नहीं, सिग्नल भी लगा लेते हैं साथ में। लगाने के बाद कुछ टाइम वेट करने के बाद आप देख सकते हो वीडियो आ चुका है। वीडियो आने के बाद हम देखते हैं इसमें प्रॉब्लम क्या है। यहाँ पे नो सिग्नल दिखा रहा है, चैनल स्कैन एरर। तो हम अब नो सिग्नल का फाइंड करेंगे किस तरीके से, कहाँ से प्रॉब्लम है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मल्टीमीटर को ऑन करेंगे। मल्टीमीटर को ऑन करने के बाद हम वोल्टेज 20 वोल्ट में सेट करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, ब्लैक प्रोब को ग्राउंडिंग में रखेंगे। उसके बाद हम डीसी जैक में लगाएंगे, चेक करेंगे कितना वोल्ट, 11.96 आ रहा है, 12 वोल्ट आता है। तो हमारा वोल्टेज वहाँ से आ रहा है। उसके बाद क्या करेंगे, सिग्नल चेक करने के, वहाँ पे रजिस्टर रहता है, कोड टाइप रजिस्टर वहाँ पे लिखा रहता है, उसमें हम चेक करते हैं सिग्नल कि कितना वोल्टेज दे रहा है। तो देख सकते हैं यहाँ पे पेयरिंग कर रहा है। तो हम एक बार अच्छे तरीके से चेक करते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे सिग्नल का आउटपुट आ रहा है 13, जो कि हमारा ऐसी आउटपुट करता है 13 वो आ रहा है। तो इसका मतलब मेरा ऐसी प्रॉपर वोल्टेज दे रहा है, ओके है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ट्विनर में चेक करेंगे, ट्विनर आउटपुट दे रहा है फिर ट्विनर खराब है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम ट्वीजर को जो जहाँ पे सिग्नल लगता है वहाँ पे उसको डाल देंगे। इसके बाद वहाँ पे अंदर डालने के बाद फिर से हम प्रोब को उठाएंगे, मल्टीमीटर के प्रोब को। उसके बाद एक ब्लैक को नेगेटिव में रखेंगे ग्राउंडिंग में, और रेड को ट्वीजर में रखेंगे। तो वहाँ पे देख सकते हो ट्वीजर में रखने के बाद आउटपुट मेरा आ रहा है प्रॉपर, ट्विनर भी ओके है। तो हम क्या करेंगे, अब फाइंड करेंगे सेटिंग में जाके, क्योंकि मेरा एसी भी सही है ट्विनर भी। अगर हम दोनों ओके रहता है तो मैक्सिमम प्रॉब्लम आता है सेटिंग से, या फिर ट्विनर चेंज करना पड़ता है। तो चलिए हम सेटिंग्स में देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। अगर सेटिंग्स हो जाए तो अच्छी बात है। तो सबसे पहले मल्टीमीटर को साइड में रखते हैं, उसके बाद हम चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम रिमोट को, रिमोट का मेन्यू बटन को प्रेस करके रखेंगे। आपको यहाँ पे मेन्यू बटन मिल जाएगा, उसको प्रेस करके रखेंगे 10 से 10 सेकंड कम मिनिमम, तो ऑटोमेटिक वहाँ पे सेटिंग आ जाएगा। तो हम प्रेस करके रखें तो आप लोग देख सकते हो कुछ ही समय में आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे आ चुका है। तो यहाँ पे ABQ लिखा है, तो यहाँ पे लिखा रहता है ACS8, वहाँ पे दूसरा कुछ लिखा हुआ है। तो इसका मतलब मेरा सेटिंग से इशू है। और उसके नीचे देख सकते हो ये चेंज कर देंगे तो नहीं आएगा, ये भी क्यू में रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे 12688 वहाँ पे लिखा है वो सही है, वर्टिकल वर्टिकल में रहेगा, वी रहेगा, और 27500 सेम यहाँ पे तो सही है। तो प्रॉब्लम कहाँ है, यहाँ पे यूजर LMB लिखा हुआ है, वहाँ पे आएंगे। वहाँ आने के बाद वहाँ पे राइट साइड क्लिक करेंगे, देख सकते हो वहाँ बटन में राइट साइड, वहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो हाइड था नंबर वो शो कर रहा है हमारे सामने 5150। तो यहाँ पे 5150 नहीं रहता है, यहाँ पे रहता है आगे बढ़ोगे, जैसे ही राइट साइड क्लिक करोगे तो यहाँ पे नंबर बढ़ेगा ऑटोमेटिक, यहाँ पे 9750 रहता है। वहाँ पे सेटिंग कर दिया नीचे 5150, वहाँ पे रहता है 10600। तो वहाँ भी आगे रिमोट से प्रेस करेंगे तो आगे ऑटोमेटिक 10600 तक आ जाएगा। उसके बाद क्या है, यूजर LMB को वहाँ पे जाएंगे, उसके बाद फिर से राइट साइड क्लिक करेंगे, यूनिवर्सल LMB कर देंगे। यूनिवर्सल LMB करने के बाद हम फिर से नीचे आएंगे, नन लिखा है, नन के पास वहाँ पे फिर से राइट क्लिक करेंगे और DIS लिखा रहेगा, देख सकते हो ऐसी 1 लिखा रहेगा, उसमें सेट करना है। उसके बाद ऑन LNB पावर ऑन है, उसके बाद हम क्या करेंगे, ओके बटन करेंगे, स्कैन कर देंगे। स्कैन आने के बाद ओके बटन प्रेस करते हैं। प्रेस करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे ग्रीन लाइट जल जाएगा कुछ ही देर में, हाँ ग्रीन लाइट आ गया वहाँ पे। उसके बाद क्या करेगा, मेरा चैनल सारा स्कैन करेगा जितना भी चैनल TV में चलता है। आप लोग देख सकते हो सारा चैनल स्कैन हो चुका है। यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा ओके का, तो हम क्या करेंगे, रिमोट को ओके बटन प्रेस करेंगे। ओके बटन प्रेस करने के बाद हमारा
सिग्नल ऑटोमेटिक आ जाएगा पूरा टोटल। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो लो अकाउंट बैलेंस, तो मेरा रिचार्ज नहीं है सेटअप बॉक्स में इसीलिए लो बैलेंस दिखा रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हो अगर सिग्नल आ जाता है तो टीपी पास हो जाता है, एक दो नहीं होता है, सिग्नल का इशू रहता है ऊपर से। देख सकते हो सारा टीपी पास हो रहा है। अगर आप लोग चाहो तो बहुत आसानी से इस तरीके से रिपेयर कर सकते हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कर दीजिएगा।